नहीं कहो पीयूष जी। क्या हुआ, आज बड़ी याद आ रही है हमारी? हमारी अलमारी में सिर्फ तुम्हारा ही सामान क्यों है? हमारा सामान कहाँ रखा है? ये रहा आपका सामान, ये लीजिए। हमारे लिए सिर्फ इतनी सी जगह, और तुम्हारे 500 किलो का सामान क्यों है? तो लड़कियों का इतना सामान होता है पीयूष जी, और अब लड़कों का क्या है, पतलून पहनी, कंघी और पर्स ली और निकल लिए। पर हम लड़कियां, हमारा कितना सामान होता है पीयूष जी, देखिए ना, लिपस्टिक, लिप बाम, लिप ग्लॉस, काजल, मस्कारा, लाइनर, फाउंडेशन, फेस पैक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है माता जी, हम समझ गए, तुम्हारी पूरी दुकान लगती है, हमें पता है। बाप और बेटी में कसम से जमीन आसमान का फर्क है। क्या बोला आपने? अब हर बात पे हमारे पापा को क्यों बीच में ले आते हैं? और क्या किया उन्होंने? अरे उन्होंने कुछ नहीं किया, हम वही कह रहे हैं कि वो तुमसे कितने अच्छे हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं। वो हमारे पापा हैं, वो सबकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझते हैं। उस दिन तो आप उनके बारे में कितना उल्टा सीधा कह रहे थे। सॉरी, वो गलती हो गई थी। वो आए थे आज हमसे मिलने, वो कह रहे थे कि उस दिन कोई परेशानी थी इसलिए ठीक से बात नहीं की। वैसे सब सॉल्व हो गया, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, वो उन्होंने शोभित के बेटे की एडमिशन भी करा दी स्कूल में। थैंक यू पापा को। उन्होंने अपने ससुर होने का फर्ज निभाया, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी। हमारी बारी? हम क्या कुतुब मीनार तोड़ लाए उनके लिए? ए? देखो भाई, हम सीधे साधे इंश्योरेंस एजेंट है, अगर किसी को इंश्योरेंस करवाना है तो बता दो। नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं करवाना, बल्कि आपको सिर्फ इतना करना है कि उनकी बेटी के पति होने का फर्ज निभाना है। क्या क्या मतलब? आप इतना भी नहीं समझते कि शादी के बाद एक पत्नी को पति से क्या चाहिए होता है? अब ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। शादी के बाद हमने, हमारा मतलब है, एक बार भी हम नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब? नहीं, सब हो सकता है पर तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। पर पीयूष जी ऐसा, अरे रुकिए ना पीयूष जी, ये क्या बोले जा रही हो तुम बकर बकर, हमें तो सुनने में अजीब लग रहा है और तुम मतलब अलग ही। तो क्या पड़ोसी के पति से जाके बात करेंगे हम? नहीं ना पीयूष जी, इतना क्या शर्मा रहे आप? नहीं। अच्छा सुनिए, अभी ये शादी के बाद हमारी पांचवी रात है, लोग तो ये सब कर लेते हैं, पहले हमने तो डिस्कस भी नहीं किया। देखो दीपिका, जब कुछ जब कुछ करना ही नहीं है तो डिस्कस क्यों करना है? सोते हैं ना। अरे पीयूष जी सुनिए ना हमारी बात, आज हमारी बात सुनने बिना आप कहीं नहीं जाएं। यार दीपिका, तुम कितनी बेशरम लड़की हो, मतलब थोड़ी तो शर्म करो। हमारे पति है, आपसे कैसे शर्म? पीयूष जी हमारा इतना तो हक बनता है, हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। आपको हमारे साथ शॉपिंग जाना पड़ेगा। हम नहीं सुने। अरे पीयूष जी सुनिए ना, ये हमारा हक है पीयूष जी, आपको करना पड़ेगा। ये हम कह रहे हैं ना, वरना हम जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। देखो दीपिका सुनो, हमारी बात सुनो, हम मानते हैं हमारी शादी हुई है, पर वो क्या है ना दीपिका, जब हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है तो ये सब कैसे, मतलब हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। अरे दीपिका, इन सब चीजों के लिए ना एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए एक दूसरे को जानने की क्या जरूरत है, ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। और वैसे भी आपको कोई पहली बार थोड़ी कह रहा है। ये क्या बोले जा रही हूँ? देखो हम ऐसे वैसे नहीं है, हमने तो आज तक बिना कपड़े की किताब, यार छोड़ दो प्लीज, भगवान भगवान के लिए हमें छोड़ दो प्लीज। पर पीयूष जी बस एक बार, ठीक है ठीक है ठीक, हम सोच के थोड़ा टाइम लेकर बाद में बता। पक्का? हाँ पक्का, सो जाओ जाओ। प्रॉमिस? हाँ बाबा आप करेंगे ना। हद हो गई, मतलब जबरन लड़कों के गले में पट्टा बांध दिया जाता है, पर अरमान तो लड़कियां भी आजकल जेब में लेकर ही घूम रही है। सब कुछ वाह। कुछ कहा आपने? वाह वाह, इस तरह तैयार हो गए हमारे साथ? नहीं, थोड़ा टाइम तो दो, वो हम वाह कर रहे थे, वो सोने का टाइम हो गया ना। हाँ। वाह मतलब वो अच्छी नींद आएगी तो आइए।
हूँ, यहाँ पंखे का हवा ज्यादा लगता है ना, तो वो हम आज से यहीं सोएंगे। सो जाइए ना। हाँ, हम सो जाएंगे, तुम जाओ सो। ये लड़की हमें हद से ज्यादा पागल कर रही है। मन तो कर रहा है कि पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखा दे कि हम पे अत्याचार हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस औरतें लिखवाती हैं, मर्द नहीं। और तेरे को क्या झाड़ू से पीटती है जो तू डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट लिखवाएगा? अबे झाड़ू से नहीं, पर अपनी हरकतों से तो पीट रही है ना। मतलब चोट शरीर पे नहीं, हमारी इज्जत पे लग रही है। यार तुम लोग मान सकते हो? मतलब उसने सीधे हमें मुंह पे बोल दिया कि हमारे साथ जबरदस्ती करी। पत्नी है तुम्हारी और उसे खुश रखना तुम्हारा फर्ज है, तो जो मांग रही है ना दे दो। कैसे दे दो? हमारा मन ही नहीं, तुम दे दो। देख भाई, सामने वाले की खुशी भी देखनी पड़ती है। अपराध थोड़ी किया है तूने, शादी की है शादी भाई। तुम दोनों ना अपने ये अश्लील प्रवचन बंद करो। मतलब पहले जबरदस्ती शादी करा, सहमति नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? देखो जितना हक पति का होता है ना, उतना हक पत्नी का भी होता है, 50-50 होता है सब कुछ। तू चुप बैठ, बिल्कुल चुप बैठ। तू ना दोस्ती के नाम पे ना काला धब्बा है, कलंक है तू। नहीं, हमसे ना हो पाएगा। अगर उसने हमें हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो हम चिल्ला देंगे, हम जोर से चीख देंगे बस। पगला गए हो का? मर्दों की नाक कटवाओगे? हाँ ठीक है, तो हम घर जाकर बहाना ठोक देंगे कोई। मतलब हमारा सर दुख रहा है और अंधे पड़ जाएंगे। मतलब भाई साहब लड़कियों वाले बहाने बनाएंगे अभी ये। तो और क्या करें अमित भैया? अरे शर्मा जी, वो करो जो प्यार से सब करते हैं। मतलब आत्मसमर्पण। समर्पण करो तुम और कचोरी खाओ। बोले अब तू ही हमारी इज्जत बचा सकता है, हमारे दामन को दागदार होने से बचा दे। बोले पीयूष जी सुनिए, एक मिनट। हक है पीयूष जी, आपको करना पड़ेगा ये। हम कह रहे हैं ना वरना हम जबरदस्ती करेंगे। पीयूष जी हमें आपसे एक मिनट। अपने आप को बाथरूम में ही बंद कर लेते हैं। हाँ रात भर वहीं रहेंगे, फिर देखते मोटी क्या करेगी। अब तक बाथरूम में? हाँ। ये देर से क्या कर रहे हैं? पिकनिक मना रहे हम काली चींटियों के साथ। ऐसा क्या खा लिया आपने जो इतनी देर से पिकनिक मना रहे हैं बाथरूम में? तुम जाओ ना यार, पहले अपने सवाल ठीक करके आओ। पीयूष जी जब आपके जवाबों को ही जुलाब लगे हो तो हमारे सवाल कैसे ठीक होंगे? ये सब छोड़िए, आप जल्दी बाहर आइए, हमें आपसे कुछ काम है। क्या काम है? मतलब इतनी रात को कौन सा काम? देखो दीपिका, ये सारे काम है ना ये ऐसे मतलब हड़बड़ी में नहीं होते, और ये औरतों के तो बिल्कुल काम नहीं है। अरे मर्द औरत बीच में कहाँ आ गए? अब बाहर आइए, हम आपको बताते हैं। यार ये कटीली कैक्टस आज इज्जत लूट के ही मानेगी।
अरे अमित भैया। भाई तेरे बैग में ना एक बाण डाल दिया हमने, मतलब चीजें रख दी हैं, देखना आजा तो काम आएंगी तेरे। अमित भैया कौन सी चीज? हेलो हेलो हेलो, अमित भैया ने क्या रखा होगा? लगता है जुलाब इनके जवाबों को नहीं, इनको खुद लग गए। दवाई रखी होगी और क्या। नहीं ये मोटी आज नहीं सोएगी, कोई बंदूक का आइडिया लगाना पड़ेगा भाई, वरना आज हमारा पहला एक दिवसीय मैच पक्का। पीयूष जी आपकी दवाई आ गई। दीपिका तुम हमारा बैग क्यों चेक कर रही हो? हम तुम्हारे पर्स में झांकते हैं क्या जो तुम हमारे बैग में घुस रही हो? हाँ हाँ तो ये हर पत्नी का हक होता है। पर आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आपके इरादे क्या है? हाँ क्या है आपके बैग में? अब इसे हमारे बैग में कौन से सांडे के तेल का कैप्सूल मिल गया जो हमारे इरादों पर शक कर रही है? अरे हमारे इरादे कुछ भी हो तुम्हें क्या मतलब है? तुम क्या अब हमारी सोच पर भी चिपक जाओगे क्या? सोच पे? अरे हम तो आपकी पूरी जिंदगी पर चिपक जाएंगे। पीयूष जी आप बाहर आइए, आप पहले बाहर आइए वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। देखो कितनी उतावली हो रही है, ये लड़की वो वाली किताब जरूर पढ़ती होगी। आप आते हैं कि हम अंदर आए? अरे हम हम अरे अरे एक मिनट में। कल तक तो हमारे साथ सोने में भी शर्म आ रही थी और आज ये? एक मिनट क्या क्या? अपने गंदे इरादे ना हम पर मत ला दो, बता रहे हमारे गंदे इरादे। पीयूष जी ये हम लाए कि आप? तुम ही तो लाई हो ये जूता, इल्जाम पर मत लगाओ। क्यों इल्जाम लगाएंगे आप? क्योंकि तुम्हारे इरादे है ना नेक नहीं है। हाँ वाव दिखाने की कोशिश भी मत करना, हम सब जानते हैं। सुबह से ही तुम्हारा मन हिलोरे मार रहा है। हमारा मन हिलोरे मार रहा है? और नहीं तो क्या? तुम ही तो कह रही थी उस दिन के सब पति पत्नी करते हैं, शादी के बाद हमने ही नहीं किया अब तक। उस दिन दौड़ा तो रही थी तुम हमें। हम शॉपिंग की बात कर रहे थे। आपको बताते हैं आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ नहीं।
आपको हमारे साथ शॉपिंग जाना पड़ेगा। हम नहीं सुनेंगे। पीयूष जी सुनिए ना, ये हमारा हक है पीयूष जी, आपको करना पड़ेगा ये। शॉपिंग? वो क्या लगा? शॉपिंग तुम साफ साफ आगरा वाली हिंदी में बोल देती ना शॉपिंग। हम तो कुछ और ही सुन बैठे थे। क्या? तुम भी ना यार। शॉपिंग? और नहीं तो क्या? आप पागल हैं। हम इतने डर गए थे, हमें लगा कि हमें सच में लगा हमारी इज्जत की उल्टी गिनती भी खत्म। शॉपिंग मतलब तुम साफ साफ बोल के हमने कहा था आप ही कान पर। सॉरी वो अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली गलतफहमी ना हो। पीयूष जी शादी तभी अच्छे से चल सकती है जब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हो दो लोगों में। फिर शादी नहीं मतलब हम उंगली पकड़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कंधे पर बैठ जाओ। 60 दिन का चैलेंज याद है ना? 60 दिन में तुम्हें घर से गेट आउट। चलो निशा स्वास्थ्य। क्या मतलब? गुड नाइट। गुड नाइट पीयूष जी। पीयूष जी आप बहुत क्यूट हो, 60 में से 5 दिन तो निकल भी गए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।